नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? प्लेटफॉर्म की ओर से मैं आशु नायक, मैथ्स फैकल्टी, यहां से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ आज 15 अगस्त है, ये हमारे पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज का दिन हम लोग कभी नहीं भूलते हैं, इसलिए आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अब हम लोग जो है आज के दिन आपको कुछ समझाना चाहते हैं, जैसे एस्टेट के बारे में। अभी एस्टेट का जो एग्जाम हुआ था, आप लोग देखे थे, सब लोग दिए थे, कितना बढ़िया एग्जाम गया था। हम लोग पढ़े थे बहुत अच्छे से, मैं आप लोगों को पढ़ाया था, आप लोग ने देखे थे जो कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन बताया गया था और क्या एग्जाम में रहा। मतलब टोटल का टोटल क्वेश्चन लगभग विद्यार्थी सब ने बनाया और अच्छा स्कोर किया। अब कुछ कम ज्यादा एक अलग बात है, लेकिन अच्छा स्कोर किया और सब एकदम बहुत ही खुश था कि चलो इस बार तो छक्का मार लिए हम लोग। लेकिन अब हुआ क्या, तो मान लीजिए एग्जाम लेने में गड़बड़ी हुआ, जो किसी का फिजिक्स था तो आ गया, कुछ किसी का बायोलॉजी था तो आ गया, केमिस्ट्री, ये सबको बहुत ही बहुत लंद फंद में बहुत दिक्कत हो गया। ये दिक्कत होने के कारण बहुत सारा विद्यार्थी जो मान लीजिए करके गए थे तैयारी, केमिस्ट्री का आ गया बायोलॉजी, कोई गया था फिजिक्स का आ गया मैथ, कोई किया था मैथ का, तो ये सब का बहुत कमी रहा इस एग्जाम में। ये सब कमी होने के कारण बहुत सारा हंगामा भी हुआ, बहुत हंगामा हुआ, और उसके बाद होता क्या है, अंत में एग्जाम रद्द हो गया। एग्जाम रद्द होने के बाद हम लोग जो यहाँ पर प्लान बनाए, रद्द होने से पहले ही हम लोगों ने एक प्लान बना चुका था, जो ये एस्टेट के लिए जितना भी ये टेट एग्जाम है उसके लिए एक सुंदर सा बैच बनाया जाए फाउंडेशन की तरह, जिससे सभी को एक बढ़िया से सिलेबस वाइज टोटल पढ़ा दिया जाए, जो फिर कोई भी टेट का एग्जाम आएगा तो उसमें उसको दिक्कत ना हो। और ये बैच शुरू होने वाली थी 4 अप्रैल को, 4 यानी अप्रैल में 1 या 4 तारीख को शुरू होने वाली थी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद एक और मुसीबत होना पड़ा। और ये मुसीबत जो हुआ वो था कोरोना का, जो कि हम लोग होली में जो छुट्टी हुआ उसके बाद कोचिंग नहीं खुला कभी भी, कोचिंग आज तक बंद है, पूरा सुनसान है पटना, सभी कोचिंग सब लगभग बंद। तो इस स्थिति में सब लोग सोचा चलो 15 दिन की बात है, 15 दिन बीत गया, लॉकडाउन 2 आ गया, फिर 15 दिन लग गया, फिर 20 दिन लग गया, ये करते करते 2 से 3 महीना गुजर गया। तब हम लोगों ने यहाँ आकर के उतना दूर से इस स्थिति में आकर के यहाँ पे एक मीटिंग बिठाया गया सभी लोगों का, सभी टीचर्स डायरेक्टर का, जो नहीं कुछ न कुछ तो करना है, क्योंकि बैठे रहेगा विद्यार्थी घर पे तो सब इंड हो जाएगा, जो भी पढ़ा हुआ है सब इंड। तो इस थ्रू से हम लोग ने यहाँ ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया और अभी वो टेस्ट के माध्यम से चल रहा है, जिसमें कि मैथ्स, फिजिक्स, साइंस यानी मैथ, साइंस, हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स और आपका रीजनिंग, सभी पेपर का एक टेस्ट सीरीज शुरू किया, जो कि प्लेटफॉर्म में पहले भी चलता था, और वो टेस्ट सीरीज बहुत ही कम फी में शुरू किया गया, आप लोग देख चुके हैं। अब यही एग्जाम आ गया, दे दिया है कुछ 2 दिन पहले जो डेट दिया गया आपको, जो एस्टेट का एग्जाम होगा, तब एस्टेट वाले विद्यार्थी तो लगभग पढ़ चुके थे। तो एस्टेट के लिए अब हम लोगों के लिए क्या करना है, हम लोगों के लिए एक तरह से ये एक पॉइंट बहुत ही अच्छा है जिस पर कि डिस्कस करें, जो इतने दिन में क्या करना है। अब ये हुई बात जो एग्जाम होने की या ना होने की, तो एग्जाम दोस्तों देखिए सबसे बड़ी बात है, बिहार में इलेक्शन है, तो इलेक्शन है तो सरकार भी चाहेगी जो कुछ ये सब एग्जाम निकलवा ले, क्योंकि जानते हैं राजनीति एक अलग चीज है, वो चाहे तो अभी कुछ भी कर सकते हैं, तो ज्यादा उम्मीद लगाया जा रहा है एग्जाम हो ही जाएगा। अब मान लीजिए एग्जाम का डेट थोड़ा आगे पीछे होता है तो अलग सी बात है, लेकिन लग रहा है जो एग्जाम समय पर ले ही लिया जाएगा। तब हम लोगों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसके प्रति, तो हम लोग ने पढ़ा था, देख रहे थे आप लोग, जो कुछ लड़का बोल रहे थे सर ये सब पूछेगा कि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, तो ये कंफ्यूजन बना हुआ था। और यहाँ का एक शेड्यूल तैयार किए थे आप लोगों के लिए, जो कुछ भी पूछे हम लोग जो सिलेबस है उसके थ्रू अकॉर्डिंग टोटल पढ़ा दे। उस अनुसार हम लोगों ने 1000 क्वेश्चन करी थी, ऑनलाइन में भी 500 क्वेश्चन का क्लास चला था और उसका भरपूर फायदा उठा था सभी को। और एक टेस्ट सीरीज भी हुआ था एग्जाम से जस्ट पहले, जिसमें कि आप लोग देखे थे कितना क्वेश्चन आया हुआ था, कुछ लड़का तो ऐसे लिखता था जो लगता है प्लेटफॉर्म में क्वेश्चन आउट हो गया,
जबकि ये हम लोग कई दिन पहले की बात है जो हम लोग ने ये टोटल संभावना समझ करके, क्योंकि एक्सपीरियंस भी कुछ चीज होती है, प्लेटफॉर्म के पास बहुत एक्सपीरियंस है, तो ये सब जैसा दिया जाता है हर एक जगह का माहौल देख करके सब कुछ सेट होता है और आप लोगों के लिए फायदेमंद रहता है, और इसलिए आज प्लेटफॉर्म में इतने स्टूडेंट जुड़े हुए। तो इसी तरह अब जो है ये कम समय में फिर से आप लोगों के लिए उसी तरह का पढ़ाई लाए हैं जो कि आप लोग पहले भी पढ़े थे, और इसमें क्योंकि बहुत सारा फोन भी आ रहा था जो सर स्टार्ट कब करिएगा स्टार्ट कब करिएगा, तो स्टार्ट तो हो गया भाई, अब टेंशन मत लीजिए, आप लोग सब स्टार्ट हो गया, सब कुछ होगा आप लोगों के लिए, आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका था और उसी को अब जो भी आपका सिलेबस था, क्योंकि नया सिलेबस नहीं जारी किया गया, मतलब जो सिलेबस था वो रहेगा और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इतना दिन जो आप लोग कितना लोग बैठे हैं और बैठने के वजह से कितना का मान लीजिए कंसेप्ट हट गया होगा या प्रैक्टिस हट गया होगा, तो उस प्रैक्टिस को लाने के लिए हम लोगों ने बहुत ही कम फी में आप लोगों के लिए ये शुरू किया है, और उसमें 500 प्लस क्वेश्चन का डिस्कस होगा जिसमें कि हर चैप्टर हर टॉपिक से 20 25 50 जितना क्वेश्चन हो सके वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, और उसका एक जबरदस्त तरीका से डिस्कस होगा जिससे आप लोगों को पढ़े तो हुए हैं ही सब प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो रेडी हो जाइए सब लोग, शायद ट्यूजडे से आप लोगों का बैच शुरू ही हो जाएगा, देख लीजिएगा अपना शेड्यूल यहाँ का ऐप पर, वेबसाइट पर, यहाँ का ऐप भी द प्लेटफॉर्म की ओर से निकला हुआ, प्लेटफॉर्म का जितना भी पैकेज है उस पर टोटल आ जाएगा, तो आप लोग वहां से अपना जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, और मंगलवार को बैच जो शुरू हो रहा है उसमें एकदम पढ़ाई कंटिन्यू कर दीजिए। तो फी भी बहुत कम है, शायद पर पेपर मान लिया आपका मैथ्स का मात्र 200 रुपया है, उसमें भी आज 15 अगस्त को कुछ ऑफर था, देख लीजिएगा आप लोग, तो ये मात्र 200 रुपया है और 200 रुपया में 500 प्लस क्वेश्चन आपका मैथ्स का रहेगा। अब एक और प्रॉब्लम है जो ये जो सेकेंड पेपर था आपका मैथ्स और फिजिक्स जो सोचते थे 50-50 नंबर का, जो पिछले बार भी हम लोगों ने तैयारी किया था इस बार भी वही करेंगे, लेकिन ये भी सत्य है जो हो सकता है मैथ्स वाले को 50-50 के बदले फिर से 100 मैथ्स पूछा जाए, तो आप हर हथियार के को लेकर के रेडी रहे, हो सकता है 100 का 100 मैथ्स पूछ दे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स वाले को हो सकता है टोटल फिजिक्स से पूछ दे, लेकिन 50-50 का फिर भी माइंड में रखिएगा, लेकिन तैयारी फिर टोटल टॉपिक का उसी अनुसार करना, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें, आपको देख लीजिए सिलेबस पे, सिलेबस देख लीजिए स्टेट का, स्टेट का सिलेबस देख लीजिए आप लोग, कलम तो देखिए इसमें दिया हुआ था नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम आपका दिया हुआ है, तो नंबर सिस्टम समझ रहे हैं, कोई भी एग्जाम है ये कभी नहीं छूटता है, नंबर सिस्टम सब में ये पूछेगा ही पूछेगा, श्योर है, ठीक है, नंबर सिस्टम आपको पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर सिस्टम में जितना भी टर्म होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, फिर है एक अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में आप समझते हैं जो कितना चैप्टर है टोटल, जितना आप पढ़ते हैं वो टोटल है, रेशियो, एवरेज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, जितना भी है ये टोटल उसमें आ जाता है। तो उसको उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हर एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेकर के पढ़ते चले जाएंगे, हर एक चैप्टर से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और सब उसमें फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका जैसे अलजेब्रा है, अलजेब्रा को भी देखना है, अलजेब्रा में समझ रहे हैं कितना सारा टॉपिक है, ट्रिगो है, ट्रिगो भी समझ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसको भी पढ़ना है, देखा था आपने लोग ने जो क्वेश्चन कितना पूछा था, ज्योमेट्री है इसी को भी पढ़ना है, मेंसुरेशन है ये भी आपको टोटल दिया गया है, एस्टेटिक से भी सवाल था, माध्यिका, बहुलक, ये सब प्रोबेबिलिटी से एक दो सवाल था पिछले बार का, आप क्वेश्चन देखिए, और रेस्ट जो जैसा कि कहा गया है 80% ये रहेगा और 20% ये रहेगा, यही हम लोगों ने उस बार भी तैयारी किया था, 80% और 20% और उसी अनुसार एग्जाम में क्वेश्चन भी था, तो हम लोग इसका पूर्णतः तैयार करेंगे जो किस अनुसार ये चलेगा। तो हमने क्या सोचा आप लोगों को, पहला जो काम है वो हम लोग अलजेब्रा से लेकर के ये जो है यहां तक पहले पढ़ लेंगे, अलजेब्रा से यहां तक पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद दूसरा चीज को देखेंगे, अलजेब्रा से यहां तक पहला चीज यही काम करेंगे, ठीक है। इतना काम जब हम कर लेंगे तब हम लोग जो है अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम जो है
पढ़ते रहेंगे, अर्थमेटिक का हर एक चैप्टर का 10 12 15 क्वेश्चन करा लेंगे, तो हम लोगों के पास बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा चैप्टर का, और बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया और बेसिक सवाल भी पूछा जाता है। ये स्टेट है, इसको कोई भी आप सीजीएल मेंस या आप जो है कैट मैट सबने समझने लगना है। ये स्टेट है, इसमें आपको हर चीज की नॉलेज रहनी चाहिए। तो आपको फिर से हम एक बार कह रहे हैं, जो बेसिक पूछता है और हर एक चैप्टर से बेसिक ही आपको ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक ना। तो इस अनुसार आपका क्वेश्चन सेटिंग हो चुका है, तो यहां से पहले हम लोग ये पढ़ लेंगे और फिर हम लोग नंबर सिस्टम प्लस हर एक चैप्टर का ये 10 12 15 जितना क्वेश्चन हो सके एक कंसेप्ट आ जाए ये काम करेंगे, और इस आधार पर हम लोग स्टेट के लिए फुल रेडी हो जाएंगे। समझे बात को? तो आप लोग बस जिसका इंतजार कर रहे थे वो आप लोगों के सामने आ चुका है, मैं वही फिर से उस जो उस बार पढ़ाया था और आप लोगों ने देखा था परफॉर्मेंस कि आप लोग का एग्जाम में रहा था, तो उस अनुसार फिर से रेडी हो जाइए। जिस किसी को जो मान लीजिए अपने से तैयारी कर रहे हैं या घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो कोई भी रिदम में आना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कर लें, फी बहुत कम है, घर बैठे बैठे आप सब लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नमस्कार, मिलते हैं आप लोगों को मंगलवार को, आप लोग का डायरेक्ट क्लास लाइव शुरू हो जाएगा। ये टोटल चीज हमने बता दिया है, इसके टोटल चीज आपको पढ़ाया जाएगा, कहीं भी कोई कमी नहीं रहने देंगे, ये तो गारंटी आप समझ रहे हैं, इसलिए बी रेडी। थैंक यू, मिलते हैं।